मकसद मैंने बता दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल पे आप यूज नहीं कर सकते, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा आप साइन कॉस टेंजेंट यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी ट्राइंगल के लिए आपको कुछ अलग चीजें ड्राइव करनी पड़ेंगी जो आपकी हेल्प करेंगे। बुक में डेरिवेशन बच्चों मौजूद है, ये वो डेरिवेशन है जो पेपर में बहुत आती थी हर साल तकरीबन, कभी लॉ ऑफ साइन आ रहा है, कभी कोसाइन आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। डेरिवेशन आपको मिल जाएगी पेज नंबर 320 के ऊपर। वर्डिंग, डायग्राम, हर चीज आपने वहीं से कॉपी करनी है, वहीं से याद करना है। मैं आप लोगों को बस समझा रहा हूँ कि डायग्राम बनी कैसे, डेरिवेशन होगी कैसे। लेबलिंग मैं चाह रहा हूँ कि बुक की हो, ए सी बी, इसको बीटा बोला, इसको गामा बोला। अब जरा सिचुएशन समझो, इसी तरीके से समझेंगे ताकि आपको बात समझ आ जाए। यह है आपका एक्स एक्सिस, यह है आपका वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल बनाता हूँ। अब वो ट्राइंगल बनाने का तरीका देख लो, ये मेरा ओरिजिन है 0.0, ये ओरिजिन है। मैं एक लाइन यहाँ पे बनाता हूँ इस तरीके से, कंसीडर कर लो ये जो पूरा एंगल है, कंसीडर कर लो ये गैमा के बराबर है। एक्स एक्सिस से लेके ये पूरा एंगल क्या है, गैमा के बराबर। कंसीडर कर लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पिक करता हूँ, मतलब ये ट्राइंगल के मुझे रेंज मिल गई ना, ये है, और मैं इनको आपस में ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, कैसे, जो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है मैंने ओरिजिन के ऊपर रखा, एक लाइन इस तरह लगाई और एक ना रेंडम किस्म का ट्राइंगल बना लिया। ये ऑब्लिक ट्राइंगल है, ऑब्लिक मतलब इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, या तो कोई एंगल एक्यूट होंगे या कोई एंगल ऑब्ट्यूस होंगे, राइट एंगल कोई भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया, मैं जरा लेबलिंग कर लेता हूँ इसकी। अब देखो बुक ने लेबलिंग की हुई है यहाँ पे क्लॉकवाइज, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं मेजोरिटी जगहों पे आप देखोगे। और कुछ ऐसे फॉर्मुले हैं जैसे आप लोग सेकेंडरी में पढ़ोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मुला, तो वहां पे असूल क्या है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज में नेमिंग करनी है, वरना आपके आंसर के साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब कहीं मेजोरिटी जगह पे तो ये रूल फॉलो होता है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज करनी है, कुछ जगहों पे रूल फॉलो नहीं कर रहे होते क्योंकि वहां पे मसला नहीं हो रहा। अब इस सवाल में अगर मैं नेमिंग क्लॉकवाइज कर लूँ, एंटी क्लॉकवाइज कर लूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया सेकेंडरी में कुछ टॉपिक आप लोग ऐसे पढ़ोगे एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर कि जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करोगे तो फर्क पड़ जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को असूल यही बताया था कि याद रखना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही करो। लेकिन अब बुक ने क्लॉकवाइज की हुई है और मैं एज इट इज बुक की डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को वही समझ आए, तो इसलिए वर्डिंग भी उस हिसाब से ही है। फिर मैं अपनी वर्डिंग अलग से लिखवाऊंगा तो मसला होगा। तो एग्जैक्ट जो बुक की वर्डिंग है, लेबलिंग जो की हुई है, मैं वही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी, ये बुक का मैंने यूज कर लिया। सी जो है वो ओरिजिन पे बन रहा है। मैं देखो यूनिट सर्किल के अंदर आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और से समझना, दोबारा बता रहा हूँ। आपने एक पॉइंट पिक किया, सही है, ये पॉइंट है आपका और ये एंगल पूरा बनता था। यूनिट सर्किल के अंदर अगर आप लोगों को याद हो, कोई आपने पॉइंट पिक किया, यहाँ पे आप बनाते थे एक राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में ये पूरी चीज क्या होती थी, एक्स के बराबर, ये पूरी चीज क्या होती थी, वाई के बराबर, सही है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, सिंपल कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज यूनिट सर्किल में क्या हुआ करता था, वन के बराबर। तो फॉर्मूला आपका बनता था एक्स अपॉन वन, और साइन अल्फा क्या बनता था, परपेंडिकुलर यहाँ पे वाई है, हाइपोटेन्यूज अगेन यहाँ पे क्या, वन। तो यहां से जब आप एक्स की वैल्यू निकालते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर वन होता था, तो आप कहते थे एक्स जो है वो कॉस अल्फा के बराबर, वाई जो है वो साइन अल्फा के बराबर। लेकिन अब आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं है, क्यों, अब जो मैंने आपके सामने पिक्चर बनाई है ना, इस पिक्चर में, इसमें तो ये चीज वन के बराबर होती थी, लेकिन इसमें अगर आप गौर करो, ये जो पूरी साइड मैंने बनाई है ये किसके बराबर है, ये बी के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप यही चीज अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन बी के, और साइन अल्फा बराबर हो जाएगा वाई अपॉन बी के। अगर आप राइट एंगल बनाओ, ये एक्स है, ये वाई है, और ये चीज बी है, तो आप फॉर्मूला लगाओ, ये कॉन्सेप्ट आ रहा था। यहां तक समझ आई बात? यस सर। उसके बाद यहां से आप x निकाल लो, x क्या होगा, b cos alpha, y क्या होगा, b sin alpha, that's it। मतलब x वैल्यू क्या है यहाँ पे, b cos alpha, और y वैल्यू क्या है यहाँ पे, b sin alpha। बस इसमें फर्क ये था कि यहाँ पे बच्चों हाइपोटेन्यूज आपका वन होता था, तो दैट्स इट, आप लिखा करते थे cos alpha sin alpha, इसके साथ वन आया करता था, वन cos alpha वन sin alpha। ये बात आपको यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज वन नहीं है, यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ, बी लिया हुआ, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे बी cos gamma और बी साइन गैमा नजर आ रहा है। अब क्लियर है सबको, किसी को कंफ्यूजन है यहां तक? जहां पे भी अटको पूछ लेना, मुझे वैसे नहीं पता चलेगा।
ये आपके पास ए आ गया, इस सिचुएशन को यहाँ पे आप लॉक कर दो। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो इस ए पॉइंट की, अगर मैं आपसे बोलूँ ए पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी कॉस गैमा है और वाई वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी साइन गैमा। अब हम एक काम कर रहे हैं, ये सब चीजें अब चेंज होने वाली हैं, तो आपने जरा कॉन्सेप्ट गौर से सुनना है। अब हो क्या रहा है, ये जो आपका वाई एक्सिस है ना, इसको अब आप शिफ्ट कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो बी पॉइंट आपने पिक किया था ना, तो अपना वाई एक्सिस ला रहे हो। मैं इसको डैश डैश बनाया था ताकि आपको आइडिया हो जाए, वाई प्राइम में कह रहा हूँ। वर्डिंग उन्होंने सवाल में क्या लिखी, जरा वर्डिंग पे गौर करो। वर्डिंग क्या है, इफ द पॉइंट बी इज टेकन एज ओरिजिन, वो कह रहे हैं कि पहले ओरिजिन आपने क्या लिया था, सी के ऊपर लिया था। कंसीडर कर लो, या तो आप ओरिजिन अपना चेंज, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो वाई एक्सिस आप इसको पीछे ले आओ, कहने का मतलब अब आप ओरिजिन कहां पे ले आओ, यहाँ पे। अब कंसीडर कर लो ये आपका ओरिजिन है, पहले ओरिजिन क्या था, सी पॉइंट, अब आपका ओरिजिन क्या है, बी पॉइंट। तो क्या वर्डिंग लिखी हुई है, इफ द पॉइंट बी इज टेकन एज ओरिजिन, के पॉइंट बी को अब मैं ओरिजिन मान रहा हूं, मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस और अब मेरा ये वाई एक्सिस हो गया, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसको मैं अलग बना रहा हूँ, कंसीडर कर लो बी है ना, बी से लाइन इस तरह जा रही है, ये आपका न्यू वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका बी जा रहा है। कंसीडर कर लो बी पे आपने ओरिजिन लिया है, इस टाइप की लाइन जा रही है, ये जो बना हुआ है ना इस तरीके से, ये जो एंगल छोटा सा बनाया हुआ है क्या है, बीटा। ये सिचुएशन जो इधर लिखी हुई है वो मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये पूरा एंगल क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक बीटा एंगल से रिलेटेड है, क्या होगा, अच्छा मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना है, अगर मैं पूरा इस तरह जाऊं टोटल एंगल कितना होगा, 180 180 डिग्री होगा। तो ये छोटा सा एंगल कितना होगा, 180 180 माइनस बीटा, माइनस बीटा ये होगा। भाई देखो ओवरऑल कितना एंगल है, ओवरऑल है 180। इस 180 में से अगर आप ये बीटा निकाल दो, ये पूरा एंगल आ जाएगा, इसका मतलब ये पूरा एंगल क्या आ गया, 180 माइनस बीटा के बराबर, सही है। ये जो बी आपका एंड हुआ कहाँ पे एंड हुआ, ये भी ए के ऊपर एंड हुआ है ना, तो इसका एंड कहाँ पे होगा, ए के ऊपर होगा। कोई स्टूडेंट कोशिश करो यहाँ पे, अब मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है, अगर मैं बी को अपना ओरिजिन मानूं, अब को मुझे बता सकता है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे, देखो कोऑर्डिनेट्स मालूम करने का तरीका क्या है, बेसिक बात पता होनी चाहिए, एक्स वैल्यू में आता है कॉस, वाई वैल्यू में आता है साइन। तो अगर इस चीज को जहन में रखे कोई स्टूडेंट बता सकता है एक्स और वाई वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तुक्का लगा दो। चलो भाई देखो सिंपल इस सिचुएशन को समझो, जो मैंने आप लोगों को यूनिट सर्किल के अंदर करवाई थी, कि अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हो, आप कहते हो कि ये पूरी चीज क्या होगी, कॉस वैल्यू, ये पूरी चीज होगी साइन वैल्यू, इसी तरह लिखते हो ना, एक्स वैल्यू मतलब कॉमा से पहले एक्स वैल्यू होती है तो ये कॉस है और ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। उसके बाद कॉस के बाद एंगल कौन सा लिखते हो, कि जो एक्स एक्सिस से बना रहा है, एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, 180 माइनस बीटा, उसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 माइनस बीटा, इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 180 माइनस बीटा। आपने यहाँ पे क्या किया था, जब आपका सी पे ओरिजिन था, आपने देखा था कि ओरिजिन जब यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस से ये एंगल बन रहा था गैमा, तो आपने क्या लिखा था, कॉस गैमा साइन गैमा। इसी तरीके से अब जब आपका ओरिजिन बी पे चला गया तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ, एंगल क्या बन रहा है, 180 माइनस बीटा, तो यहाँ पे 180 माइनस बीटा, यहाँ पे 180 माइनस बीटा। बस अब एक आखिरी चीज है, वो आखिरी चीज क्या है, इस पूरी चीज की लेंथ क्या है, जैसे इस पूरी चीज की लेंथ बी थी ना, तो यहाँ पे बी आ रहा था, इस पूरी चीज की लेंथ क्या है, जरा डायग्राम में देख के बताओ, सी एक्सीलेंट सी है। तो अब यहाँ पे बस इजाफा आपने क्या करना है, ये हो जाएगा सी कॉस 180 माइनस बीटा, यहाँ पे भी आपने एक सी लगा देना है, ये हो जाएगा सी साइन 180 माइनस बीटा। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स मतलब न्यू, अगर आपका एक्स एक्सिस ओरिजिन जो है अगर आप बी पे शिफ्ट कर दोगे, तो फिर जो आपका पॉइंट ए है, अब इस पॉइंट ए की एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी कॉस 180 माइनस बीटा, और वाई वैल्यू क्या है, सी साइन 180 माइनस बीटा। तो जब ओरिजिन सी पे था तो ये वाई वैल्यू थी, बी साइन गैमा, सेम ही पॉइंट है, देखो पॉइंट ए है, पॉइंट ए को मैंने छेड़ा नहीं है अभी तक, सेम ही पॉइंट। तो जब ओरिजिन आपका सी के ऊपर था, सॉरी जब ओरिजिन सी के ऊपर था, तो एक्स वैल्यू क्या थी, बी कॉस गैमा, और वाई वैल्यू क्या थी, बी साइन गैमा। और जब आपका ओरिजिन जो है वो बी पे शिफ्ट कर गया, तो अब ए पॉइंट की वैल्यू क्या है, एक्स सी कॉस 180 माइनस बीटा, और वाई वैल्यू क्या है, सी साइन 180 माइनस बीटा।
इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर इतना आप लोगों को समझ आ गया तो आप जरा बेसिक सी बात देखो, आप सी पे ओरिजिन लो या आप बी पे ओरिजिन लो, दोनों केसेस में ए की हाइट यही है, ए की वाई वैल्यू है पूरी, ए की क्या है वाई वैल्यू। तो ये वाई वैल्यू दोनों केसेस में तो सेम ही है ना भाई, ओरिजिन आप सी पे लो या ओरिजिन बी पे लो, वाई वैल्यू तो सेम ही रहेगी, एक्स वैल्यू का फर्क होगा। अगर आप देखो, जब आपने सी यहां पे लिया था ओरिजिन तो ये पूरी एक्स वैल्यू थी, और अगर आपका ओरिजिन यहाँ पे चला जाएगा तो ये पूरी एक्स वैल्यू होगी, बड़ी हो जाएगी एक्स वैल्यू। लेकिन वाई वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आया, पहले भी हाइट इतनी थी, दूसरे वाले केस में भी हाइट इतनी है। इसका मतलब दोनों केसेस में वाई वैल्यू जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। दिखने में आपको अलग लग रही है वाई वैल्यू, लेकिन असूलन तौर पर आप डायग्राम से देख सकते हो कि वाई वैल्यू बराबर है। तो आप क्या कहोगे, बी साइन गैमा ये बराबर है सी साइन 180 माइनस बीटा। दोनों केसेस में वाई वैल्यू तो सेम ही है, तो दोनों वाई वैल्यूज को आपस में क्या करोगे, इक्वेट करवा दोगे। साइन 180 माइनस बीटा आप लोगों को पता है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड बता सकते हैं क्या स्टेप्स होते हैं। मैं बता दूं सुनो ना सर घंटे। हाँ बताओ, क्वेश्चन हाँ जल्दी जल्दी, सही है। फिर और सर इसके साथ आएगा बीटा ही आएगा, बीटा ठीक है, और साइन कैसे डिसाइड करते हैं? साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है 180 माइनस बीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई इसके साथ पॉजिटिव आ गया। तो साइन 180 माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन बीटा के। थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, सी को नीचे ले आओ, गामा को ले जाओ, ये बच्चों आपके पास फॉर्मूला आ गया, बी अपॉन सी इक्वल टू साइन बीटा अपॉन साइन गामा। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, या इसकी जो मशहूर फॉर्म है वो क्या है कि साइन बीटा को उधर ले जाओ, साइन गामा को उधर ले जाओ। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बी अपॉन साइन बीटा सी अपॉन साइन गामा, ये भी लिखने का तरीका होगा, डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हो। आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, आप इक्वेशन को दोनों तरफ से रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना, दोनों तरफ से। तो ये हो जाएगा साइन बीटा अपॉन बी, ये हो जाएगा साइन गामा अपॉन सी। एंगल्स को आप ऊपर ला सकते हो और बी और सी को नीचे लेके जा सकते हो, डिफरेंट तरीके से बात लिखी जा सकती है। तो आपने अभी ये चीज प्रूव की है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, एक वर्डिंग लिखोगे सिमिलरली, जो बुक में लिखा हुआ है। सिमिलरली का मतलब यह है कि अगर आप देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने बी और सी लिया, तो अगर आप एक्स एक्सिस पे बी और सी लोगे तो फॉर्मूले में भी बी और सी आ रहा होगा। अगर आप एक्स एक्सिस पे नेमिंग चेंज कर दो, शौक हो तो करके देख लेना, अगर आप इसको इस तरह नेमिंग करो, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप ए ले लो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी रहने दो, फॉर एग्जाम्पल ए बी और यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ, बस अब मैंने ए सी की जगह पे ले लिया, तो अब एक्स एक्सिस पे ए होगा और बी होगा, तो आपके पास पता है क्या आएगा, ये चीज आएगी ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा। जो आप एक्स एक्सिस में नेमिंग करोगे ना उस हिसाब से आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपने ए और बी इस तरीके से लिया है तो अब आपके पास ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम सिमिलरली लिख के ये चीज लिख देंगे, ये बुक ने भी लिखा वैसी तरीके से। तो पूरी मैंने आपको डेरिवेशन समझा दी है, जो एंड पे उन्होंने चीज लिखी हुई थी हर चीज पूरी क्लियर हो गई है, बस एक आखिरी स्टेप है, वो स्टेप ये है कि बच्चों ऑब्जर्व करो, यहाँ पे बी अपॉन साइन बीटा जो है ये बराबर है सी अपॉन साइन गामा के, सेम बी अपॉन साइन बीटा यहाँ पे बराबर है ए अपॉन साइन अल्फा के। तो वही सिचुएशन अगर आपको बोले कि ए बराबर है बी के और ए बराबर है सी के, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से आप बोलोगे बी और सी आपस में भी बराबर है और आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो, वही चीज आपने यहाँ पे करनी है, बी अपॉन साइन बीटा इसके बराबर भी है, बी अपॉन साइन बीटा इसके बराबर भी है। तो यहां से पहली चीज आपको क्या मिली कि ये दोनों चीजें भी आपस में बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है सी अपॉन साइन गामा के, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। ये तीन अलग अलग बातें, इनको आप एक लिख सकते हो, वो फॉर्म क्या है, अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा सी अपॉन साइन गामा, ये एक साथ भी इसको लिखा जा सकता है, ये कहलाता है बच्चों लॉ ऑफ साइन, जिसकी डेरिवेशन आपने प्रूव किया, लॉ ऑफ साइन ये है। तो डेरिवेशन एग्जाम में आती है, एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग याद रखो, डायग्राम मैंने आप लोगों को डिटेल में पूरी समझा दी कैसे आई है, एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग, बुक की नेमिंग हर चीज यूज कर लो ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इस तरीके से आप लॉ ऑफ साइन की डेरिवेशन को प्रूव करोगे। अब यूज किस तरीके से करना है वो इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को बता दूंगा, जब हम ट्राइंगल सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन डेरिवेशन देख लो, लॉ ऑफ साइन देख लो, इस तरीके से यूज होगा ये।
लॉ ऑफ कोसाइन में बस डेरिवेशन, जब आप लॉ ऑफ कोसाइन की करोगे ना तो लॉ ऑफ कोसाइन में दूसरी चीज नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, ले लो अगर जल्दी से नहीं लिया तो। लॉ ऑफ कोसाइन में ना ये चीज आपने हटा देनी है, आपकी डायग्राम जो पहले बनी हुई ना दैट्स इट, वही बनेगी। ये वाला काम आपने लॉ ऑफ कोसाइन में नहीं करना, ठीक है? तो पहली बार डायग्राम आप देख लो, यही डायग्राम है, जो चीजें मैंने समझाई है पहला वाला केस समझाया था एग्जैक्ट वही है, फिर तो आपको समझ आ गया ना। बस लॉ ऑफ कोसाइन में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फिगर 11.6। आप लोग पेपर में अगर लॉ ऑफ कोसाइन आ रहा है तो ये फिगर आपने पूरी ड्रॉ कर देनी है और फिगर को पूरा समझाना है। अगर सिर्फ लॉ ऑफ कोसाइन की डेफिनेशन आ रही है तो फिगर को आप समझाओगे, जो ऊपर पूरा लिखा हुआ है ना, कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, वहां से लेके बिल्कुल एंड तक, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विल बी बी कॉस गैमा बी साइन गैमा, जो आगे लिखा हुआ है ना, इफ द पॉइंट बी इज टेकन एज ओरिजिन, ये चीज आपने नहीं लिखी, ठीक है? तो आपने शुरू की चार लाइनें लिखनी है, उसके साथ ही फिगर ड्रॉ कर लेनी है। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये लिखने के बाद आप लिखोगे जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, पहले तो आपने ए निकाला था ना, अब आप एक साथ तीनों वर्टिसेस लिखो। तीनों वर्टिसेस कैसे लिखोगे, ए के वर्टिस तो आपको पता है कि ए जो है वो यहाँ पे है बी कॉस गैमा बी साइन गैमा। जरा बाकियों की बात करते हैं। बी की अगर आप बात करो तो मैंने पहले भी बताया बी जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसकी वाई वैल्यू जीरो होती है। और एक्स वैल्यू क्या है, देखो ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से लेके कितना डिस्टेंस है, ए के बराबर है, तो इसकी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के बराबर। और अगर मैं बोलूँ सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो सी के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि सी ओरिजिन पे है तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0.0। तो ये तीन वर्टिसेस जो है ये उन्होंने बुक में मेंशन किए हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, जो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल लॉ में भी काफी डिटेल में बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है किन दो पॉइंट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान। ए के कोऑर्डिनेट्स है इसको आप एक्स वन ले लेना, इसको वाई वन ले लेना, इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट्स को आप एक्स टू ले लेना, वाई टू ले लेना, और इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। अगर ये आप लोग भूल गए हो तो चैप्टर नंबर 10 में देख लेना, वहां पे मैंने अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखाया था। तो बस ए और बी के दरमियान आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस क्या है, सी के बराबर है। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस क्या है, सी के बराबर है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उस पर आपके पास क्या आ रहा होगा, सी आ रहा होगा। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस सी है। तो बस आप थोड़ी सी स्क्वायरिंग करोगे, बुक में देख लेना पूरी वर्डिंग लिखी है, तो आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन आ जाएगा। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस गामा। ये जो है ये कहलाता है लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है? अगर आप सी ओरिजिन पे लोगे तो आपके पास आंसर में भी सी आ रहा होगा। अगर बिलफर्ज आप यहां पे ए ले लोगे तो आंसर में आपके पास ये आ रहा होगा, टू बी सी कॉस अल्फा। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, याद करने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पे ए साइड आ रही है तो ए के सामने वाला एंगल क्या होता है, अल्फा, यहाँ पे अल्फा आ रहा होगा, और जो बाकी दो साइड है वो यहाँ पे आ रही होंगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, एंगल मैंने बता दिया जो ए के सामने वो आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ओरिजिन पे वर्टेक्स बी लोगे तो अब आपके पास ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन आएगा। और बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है। तो ये तीनों लॉ ऑफ कोसाइन है जैसे आपने यहाँ पे देखे थे, बस फर्क ये कि बाकियों की आपने डेरिवेशन नहीं करनी है, आपने एक ही की डेरिवेशन करनी है, बाकी सिमिलरली करके आपने लिख देना है नीचे, और इस तरीके से आप पूरा मेंशन करोगे। ये तीनों जो है लॉ ऑफ कोसाइन है, यूज किस तरीके से करना है अगेन मैं आपको बताऊंगा। तो पेपर में डेरिवेशन आएगी तो मैंने बताया शुरू की चार लाइनें आप वही लिखोगे, डायग्राम एग्जैक्ट कॉपी करोगे, उसके बाद मेंशन करना कि ए बी सी के वर्डसेस क्या है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन आ जाएगा, ठीक है? लॉ ऑफ कोसाइन में कभी हमें एंगल निकालना होता है, ये तो फॉर्मूला है ना, अगर आपको साइड निकालनी है ए सी बी, अगर आपको एंगल निकालने है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये कॉस गैमा इन दोनों साइड को आप उधर ले जाओ, मतलब इसको मैं बताता हूँ सिंप्लीफाई करने का तरीका। अगर आपको अल्फा बीटा गैमा निकालने हैं तो आप लॉग कोसाइन को कैसे चेंज करोगे, आप इस सी स्क्वायर को इधर ले आओ और इस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। ये वाली टर्म नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, सी स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टू ए बी को डिवाइड कर देना जाके। तो ये कॉस अल्फा का फॉर्मूला आ गया। कॉस अल्फा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। इसको भी याद करने का वैसे तरीका होता है, कॉस गैमा, सॉरी अल्फा नहीं है, इसको भी याद करने का तरीका है कि अगर यहाँ पे गैमा आ रहा है तो सी स्क्वायर नेगेटिव होगा, गैमा के सामने क्या होता है, सी होता है ना, तो सी स्क्वायर नेगेटिव होगा और बाकी दोनों साइड क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी।
और डिनोमिनेटर में क्या होगा, टू मल्टीप्लाई जो बाकी दोनों साइड थी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसी तरह कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए सी। इसी तरीके से कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा के अलावा दो साइड कौन सी होती है, बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ नेगेटिव, नीचे आ जाएगा टू बी सी। तो यही तीनों फॉर्मूले हैं, इसमें से आपने कॉस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉ ऑफ कोसाइन प्रूफ करोगे। एक ही प्रूफ करना है आपने, बाकी सिमिलरली करके आपने बाकी दो भी मेंशन कर देने, चाहो तो आप ये भी मेंशन कर दो, ये जरूरी नहीं है लेकिन बेहतर है मेंशन कर दो, आप बुक ने मेंशन किए हुए। ठीक है, और अब आखिरी है वो है लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट यूज भी आप कम करते हो, इसकी डेरिवेशन भी कम ही आती है, लेकिन आ सकती है, बुक में मेंशन है। इसकी डेरिवेशन में आपको कोई डायग्राम नहीं बनाने, कुछ भी नहीं करना, प्योर मैथमेटिकल वर्क है, जरा देख लो कैसे आएगा। यहाँ पे आपको बस लॉ ऑफ साइन पता होना चाहिए तो आप अपनी डेरिवेशन पूरी कर लोगे। आप स्टार्ट कैसे करोगे, लॉ ऑफ टेंजेंट को साइन लॉ कंसीडर करके। साइन लॉ हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसकी बात करते हैं, हम ए और बी का आपस में देखते हैं। तो आपने साइन लॉ पढ़ा था, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा बी अपॉन साइन बीटा के। थोड़ा अरेंज करते हैं, बी को नीचे ले आओ, अल्फा को उधर ले जाओ, तो ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा के। मैं एक चीज करने लगा यहाँ पे, अगर ये किसी को नहीं समझ आई तो बता देता हूँ। एक रूल होता है जिसको, इसका नाम पता नहीं आप लोगों ने मैट्रिक में सुना हो या नहीं, कम यार मैं खुद भूल गया हूँ ये नाम है, डिवाइड एंडो, और एक सेकेंड इसको बोलते क्या एग्जैक्ट, मैं नाम इसका भूल गया हूँ। कंपोनेंटो एंड डिविडेंड। कंपोनेंडो, हाँ पी आता है ना इसके अंदर, एक सेकंड स्पेलिंग से कंफर्म होने दो। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो हाँ सही है, तो हो जाएगा कंपो नेंडो, और इसको आप बोलोगे डिवाइडेंडो। ये होते क्या है, ये जो मैंने किया ना ये कंपोनेंडो होता है। इस सिंपल एक रूल होता है, वो रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है, फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, तो आप क्या करो, इनके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड कर दो। जैसे बी है ना, इसको मैं न्यूमिनेटर में ऐड कर देता हूँ, इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर डी है, इसको मैं न्यूमिनेटर में ऐड कर देता हूँ, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपस में बराबर है, तो फिर जब आप इनके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड करोगे दोनों तरफ से, तो ये दोनों फ्रैक्शन भी आपस में बराबर होंगे। इसको प्रैक्टिकल आप सॉल्व भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1/2 बराबर होता है 2/4 के, एक ही फ्रैक्शन है, मैंने अलग तरीके से लिखा है। तो अभी काम करो, टू को ऊपर ऐड करवा दो, यहाँ पे फोर को ऊपर ऐड करवा दो। 1 + 2 क्या होता है 3/2, इसी तरह 2 + 4 क्या होगा 6/4। अभी भी देख लो दोनों आपस में बराबर है, सॉल्व कर लेना आंसर सही आएगा। तो कहने का मतलब दो फ्रैक्शन अगर आपस में इक्वल हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों के डिनोमिनेटर ऐड कर सकते हो। इन अदर वर्ड इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कि अगर आपके पास ये चीज लिखी हुई है ना, आप ये भी कह सकते हो कि दोनों तरफ हम 1 को ऐड करवाते हैं, यहाँ पे 1 को ऐड करवा दो, यहाँ पे 1 को ऐड करवा दो। ये चीज तो सबको आती होगी ना, कि दोनों तरफ आप कुछ भी ऐड करवा दो। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, बी को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे ए के अंदर, इसी तरह डी को मल्टीप्लाई करोगे 1 से और ऐड करोगे सी के अंदर, तो यही चीज आ जाएगी। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आप ये 1 ऐड करके एक स्टेप कर लो, नेक्स्ट स्टेप में वही पहुंच जाओगे। बुक ने ये 1 ऐड करके पूरा बताया ना, लेकिन असल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। सही है, तो बुक को ही फॉलो करते हैं, आप +1 ऐड करके कर लो, कोई इशू नहीं है। बुक ने वर्डिंग मेंशन नहीं की हुई, आप ही ना मेंशन करो, बुक का यूज करना, यहाँ पे +1 करना, दोनों तरफ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और डिवाइडेंडो क्या होता है, डिवाइडेंडो कहता है सब्ट्रैक्ट कर दो। आप जैसे अभी आपने बी को ऐड किया था ना, तो डिवाइडेंडो क्या कहेगा, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये चीज है ना, अब मैं क्या करता हूँ, बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये ए माइनस बी अपॉन बी, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंपोनेंडो, इसको हम बोलेंगे डिवाइडेंडो। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस पर डिवाइड करना है, जो बुक ने मेंशन किया हुआ ना +1, और इसमें आप दोनों तरफ -1 करोगे, तो एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग को कॉपी कर देना, मैं बस समझा रहा हूँ आप लोगों को। आपने क्या करना है, इसके बाद डिवाइड कर देना, तो इसको बोल दो ये 1 है, और इसको बोल दो 2, इनको आपस में डिवाइड कर दो। तो ए प्लस बी अपॉन बी ये डिवाइड होगा ए माइनस बी अपॉन बी के, इसी तरह साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ये डिवाइड हो जाएगा इससे, अल्फा
माइनस साइन बीटा अपॉन साइन बीटा। तो होगा ये कि साइन बीटा कैंसिल, बी से बी कैंसिल, रिजल्ट आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे होगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यहाँ पे होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अच्छा इस स्टेप के बाद ना डायरेक्ट मैं ये भी लिख सकता था, इस स्टेप के बाद कह रहा हूँ, बुक ने लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं कर सकता था, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट मैं लिख सकता था कि कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो को आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। एक साथ अप्लाई करने का तरीका है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है ना, आप इस बी को ऊपर ऐड करवा दो और सेम चीज आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। मतलब पहले आप बी को ऊपर ऐड करवाओ ए के अंदर, और नीचे ए के अंदर आप सब्ट्रैक्ट करवा दो। जैसे ये है कि बी को मैंने ए के अंदर ऐड करवाया, बी को मैंने ए के अंदर सब्ट्रैक्ट करवाया। इसी तरह अगर ये फ्रैक्शन लिखी हुई है तो पहले आप अल्फा के साथ लिखो साइन बीटा, और नीचे आप अल्फा के साथ लिखो माइनस साइन बीटा, ये चीज। तो ये डायरेक्ट कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो एक साथ भी अप्लाई किया जाता है, लेकिन बुक ने प्रॉपर स्टेप्स करके डिवाइड करके करवाया हुआ, तो उसी तरीके से आप फॉलो करें। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला, यहाँ पे अप्लाई करोगे साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला। तो जरा फॉर्मूला अप्लाई कर देना, मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आ क्या रहा होगा। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी को अपने जगह पे रखो, साइन यू प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये सिचुएशन आ रही होगी, टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। नीचे क्या होगा, साइन यू माइनस साइन बी का कॉस पहले आएगा और साइन बाद में चला जाएगा, टू से टू कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। कॉस अपॉन साइन ये क्या होगा, कॉट, तो साइन अपॉन कॉस की जगह टेंजेंट, कॉस अपॉन साइन की जगह आपने कॉट लिख दिया। ठीक, ये जो आपके पास कॉट लिखा हुआ है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, कॉट का दो फॉर्मूले होते हैं, कॉट का एक फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन और एक फॉर्मूला होता है वन अपॉन टेंजेंट। तो मैं इस कॉट को टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, मैं इस कॉट की जगह लिख सकता हूँ वन अपॉन टेंजेंट माइनस बीटा अपॉन टू। मेरे पास मौजूद था कॉट अल्फा माइनस बीटा पॉइंट टू, मैंने कॉट की जगह लिख दिया वन अपॉन टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा पॉइंट टू। तो आप इसको अरेंज कर लो, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है वन अपॉन इससे, तो आप एक साथ इसको लिख सकते हो। एक साथ आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे कि ऊपर आएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा पॉइंट टू, नीचे आएगा अल्फा माइनस बीटा पॉइंट टू, और लेफ्ट हैंड साइड इनकी क्या है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये बच्चों कहलाता है लॉ ऑफ टेंजेंट। बुक ने कोई और प्रूफ किया है बुक में, और उन्हें आपस में देख लेना हल्की फुल्की चेंजिंग की भी होगी ना, बुक में कुछ और यूज हुआ होगा, मतलब बुक में उन्होंने इस वाली इक्वेशन को ऊपर रखा होगा और इसको नीचे रखा होगा। मैंने प्लस वाली को ऊपर रखा है, माइनस वाली को नीचे रखा है ना, तो बुक ने इस वाली चीज को ऊपर रखा होगा, डिवाइड करते हुए इसको नीचे रखा हुआ होगा। कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, आप बुक वाला यूज कर लो, मेरा वाला यूज कर लो, कोई फर्क नहीं है। क्यों, बेसिक बात क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव। आप इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दो तो ये ए माइनस बी ऊपर चला जाएगा, ए प्लस बी नीचे आ जाएगा, इसी तरह ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी नीचे आ जाएगी, तो आपके पास बुक वाला सवाल आ जाएगा। तो बुक वाला एग्जैक्ट अगर कॉपी करना चाह रहे हो वही कर लो, मैं मेरा काम था आप लोगों को समझाना और याद करवाना। याद किस तरीके से आप करोगे, अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे दो साइड है ए और बी, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो इन दोनों के सामने वाले एंगल यहाँ पे ऐड हो रहे हैं अल्फा और बीटा, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनके सामने वाले एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं आप एक और लॉ ऑफ टेंजेंट आपके सामने लिखता हूँ, ये तो पहला लॉ ऑफ टेंजेंट है ना, जरा दूसरा देखते हैं। कंसीडर कर लो बी और सी को, अगर बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी का आपने लॉ ऑफ टेंजेंट लिखा है तो आप इस तरह लिखोगे, टेंजेंट बीटा प्लस गैमा अपॉन टू, और ये हो जाएगा टेंजेंट बीटा माइनस गैमा अपॉन टू। बी और सी के सामने कौन सा एंगल होता है, बीटा और गैमा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इसी तरह तीसरा भी आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस सी अपॉन ए माइनस सी का आप कर लो, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस गैमा अपॉन टू, ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस गैमा अपॉन टू। अगर आप यहाँ पे इनके ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आप इसको लिखना चाह रहे हो सी प्लस ए और नीचे लिखना चाह रहे हो सी माइनस ए, कोई इशू नहीं, इस तरह भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा गैमा प्लस अल्फा और नीचे हो जाएगा गैमा माइनस अल्फा। तो सिंपल सी बात है, बेसिक सी आपने देखनी है, अगर पहले ए आ रहा है तो यहाँ पे पहले अल्फा, बाद में बी तो यहाँ पे बाद में बी, साइन अगर ऊपर पॉजिटिव है तो साथ भी पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव आ जाएगा। इनको आप कहते हो लॉ ऑफ टेंजेंट, ये आपकी बुक में लिखे हुए। अच्छा दो फॉर्मूले और रह गए थे, तीन किस्म के फॉर्मूले, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं।
वो फॉर्मूले है, आप लोगों ने अगर याद हो आपने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे किसमें, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो वो जो हाफ एंगल फॉर्मूले आपने पढ़े थे, जैसे साइन एक्स अपॉन टू का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, तो वहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला का होता ये था। सबसे पहली बात क्या है कि वहां पे जो एंगल होते थे वो रैंडम एंगल होते थे, वो किसी ट्राइंगल के अंदर एंगल नहीं होते थे। कोई भी एंगल एक्स आप पुट कर सकते हो, 200 डिग्री, 450, जो भी डिग्री पुट कर सकते हो आप उसके अंदर। यहाँ पे जो आप हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो एंगल्स इन्वॉल्व होंगे ये एंगल्स ट्राइंगल के होंगे, तो सबसे मेजर फर्क तो आपको नजर आएगा। वहां पे जो हाफ एंगल फॉर्मूले थे वो इन टर्म ऑफ कोई और फंक्शन था, जैसे साइन के फॉर्मूले में कॉस आ रहा है, कॉस के फॉर्मूले में भी कॉस आ रहा था हाफ एंगल फॉर्मूले में। यहाँ पे जो हाफ एंगल पढ़ोगे ना, इनके फॉर्मूलों में आपके पास ट्राइंगल की साइड लेंथ आ रही होगी, ए आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, सी आ रहा होगा, ये थोड़ा बहुत आपको फर्क नजर आएगा। इनके डेरिवेशन जो है ना बच्चों, ये आपको पेज नंबर 322 के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है? अगर किसी को शौक हो डेरिवेशन समझ लेना, ना समझ आए तो प्राइवेटली मुझसे पूछ लेना, मैं आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बता देता हूँ। और ये एक किस्म के 9 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 3 बताऊंगा, बाकी आप लोग उसी से याद रखोगे, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो पहले भी पढ़ चुके हो लेकिन फर्क मैंने बता दिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है ना वो साइन के केस में हम पढ़ेंगे, मुझे कुछ फॉर्मूला याद नहीं है क्योंकि इतना यूज नहीं होता ये, S-B, S-C। लेकिन अगर आपको एक याद हो जाए ना तो बाकी आप खुद बना सकते हो। अब देखो मैंने एक देखा है, बाकी मैं खुद आपको बना के दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, वहां जो हाफ एंगल फॉर्मूले थे आप प्लस माइनस लगाया करते थे, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कोई बता सकते हैं? यहाँ पे प्लस माइनस ही लगा रहे हैं, हालांकि अगर आप डेरिवेशन में देखो यहाँ पे भी रूट लिया गया है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? सर प्लस माइनस डिस्टेंस इसमें नहीं, टाइम डिस्टेंस नहीं, आपको पता चल रहा अगर यहाँ पे डिस्टेंस था तो वहां पे क्या था? डिस्टेंस नहीं है, ये चीज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती ना, ये तो सिंपल एक साइन वैल्यू है। साइन वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे प्लस माइनस ना लगाने की वजह ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो अल्फा आ रहा है, मैंने बताया था ये ट्राइंगल के एंगल है, अल्फा बीटा गामा। ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल जो है वो 180 से छोटा ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180। तो कंसिडर कर लो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि एक एंगल हो 179, दूसरा हो 0.5 और तीसरा भी हो 0.5, तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। कहने का मतलब बड़े से बड़ा एंगल जो है ना वो भी 180 से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर एक एंगल 180 हो गया तो बाकी दो क्या होंगे, क्योंकि सम 180 होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आप एंगल पढ़ोगे ना, मैक्सिमम भी जितने भी बड़े हो जाए वो ट्राइंगल के अंदर 180 से छोटे ही रहेंगे। और जब आप कोई भी अल्फा यहाँ पे 180 से छोटा पुट करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अल्फा पुट किया 170, 170 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 85, और 85 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होती है। तो कहने का मतलब ये अल्फा बीटा गामा ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं, जब आप ट्राइंगल के एंगल्स को 2 से डिवाइड करोगे तो वो एंगल लाजमी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, टेंजेंट भी पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई इन फॉर्मूलों में आपको प्लस माइनस नजर नहीं आता, हर चीज की रीजन होती है, ये नहीं कि कहीं लगा दिया कहीं नहीं लगाया, तो वो रीजन बताना मेरा काम है। तो वहां पे प्लस माइनस था क्योंकि वहां पे एंगल ट्राइंगल के नहीं थे, वहां पे आप 200 भी पुट कर सकते हो, 400 डिग्री भी पुट कर सकते थे, 1000 डिग्री भी पुट कर सकते थे, क्योंकि वो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो वहां पे प्लस माइनस आ सकता था, ठीक है? ये वाला हाफ एंगल फॉर्मूला अगर आप याद कर लो, इसमें टेक्निक क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक एस आ रहा होगा भाई, बी और सी का तो आपको पता है, कल मैंने बताया था, अगर एक ट्राइंगल है इसको आप बोलते हो ये वर्टेक्स ए है, इसको बोलते हो ये बी है, इसको बोलते हो सी, तो ए के सामने वाली साइड की लेंथ को आप लिखते हो ए, बी के सामने वाली साइड की लेंथ को बी, सी के सामने वाली साइड की लेंथ को सी लिखते हो, ठीक है? तो ये ए बी सी तो आपको पता है इनका क्या मतलब है, ट्राइंगल की साइड की लेंथ है। सवाल है कि एस यहाँ पे क्या है? एस को आप बोलते हो सेमी पेरीमीटर। ये क्या होता है? सबसे पहले मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं, एक वर्ड हम पढ़ते हैं पेरीमीटर जो मैंने लिखा है, इस पेरीमीटर का मतलब किसी को पता है क्या है? ट्रायंगल की बाउंड्री से अरे बिल्कुल सही बताया, लेकिन ट्राइंगल नहीं है इसके अंदर। कोई भी अगर आपके पास शेप है ना, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्किल हो, ट्राइंगल हो, उसकी शेप पे सिंपल आपने चलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की बात करते हैं, मैं ट्राइंगल पे यहां से स्टार्ट किया मैंने, और कंसिडर कर लो मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं वॉक करते हुए यहाँ पे आया हूँ, मैं वॉक करते हुए यहाँ पे आया हूँ, मैं वॉक करते हुए यहाँ पे आया हूँ, तो एक दफा पूरी वॉक जब मैंने की है और जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको आप पेरीमीटर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स,
ट्रायंगल की तीनों साइड को आपस में ऐड कर दो, तीनों साइड की लेंथ को, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। स्क्वायर के अंदर पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर की चारों साइड की लेंथ को ऐड कर दो, पेरीमीटर। सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, जो पूरी बाउंड्री है जिसको सर्कमफेरेंस आप कहते हैं, 2 पाई आर, वो सर्किल का पेरीमीटर है, तो ये पेरीमीटर होता है। सेमी का मतलब क्या होगा, हाफ कर दो उसका, तो ये एस जो आपको नजर आ रहा है सेमी पेरीमीटर है। फॉर्मूला क्या होगा, ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर आप डिवाइड बाय 2 ना करते तो ये पेरीमीटर कहलाता, कि तीनों साइड की लेंथ को आपने ऐड किए, आपने डिवाइड बाय 2 किया तो अभी सेमी पेरीमीटर कहलाता, ठीक है। तो जो आपको एस नजर आ रहा है इस फॉर्मूले में, वो ये चीज है। अब ये है साइन अल्फा पॉइंट 2 का फॉर्मूला। अब अगर आपने बाकी लिखने हैं आप इसी से लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल साइन बीटा पॉइंट 2 इस तरीके से होगा। पैटर्न अगर आप देखो, अगर यहाँ पे अल्फा मौजूद है तो आपको यहाँ पे साइड ए नजर नहीं आ रही, बाकी 2 साइड नजर आ रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बीटा मौजूद है तो आपको बी नजर नहीं आएगा, आपको ए और सी नजर आएगा। इस तरीके से कि लिखा होगा एस माइनस ए, एस माइनस सी, और नीचे इसी पैटर्न पे क्या होगा, ए सी। अब देखो आपको बी नजर नहीं आ रहा है। और अगर आपने फॉर्मूला लिखना है साइन गैमा पॉइंट 2 का, तो अब आपको फॉर्मूले में सी नजर नहीं आएगा, तो फॉर्मूला होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर नीचे हो जाएगा ए बी। तो और आपको एक फॉर्मूला याद है, बाकी 2 फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं। जरा कॉस करें, कॉस अल्फा 2, अल्फा पॉइंट 2 का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब इसका थोड़ा पैटर्न अलग है, यहाँ पे क्या होता है, अगर अल्फा है ना तो यहाँ पे ए आ रहा होगा, ठीक है, और ए के अलावा बाकी 2 साइड कौन सी होंगी, बी सी, वो नीचे आ रही होंगी, ठीक है। मैं जरा दूसरा बनाता हूँ, तीसरा आप लोग बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल कॉस बीटा पॉइंट 2 है, तो क्या फॉर्मूला होगा भाई, बीटा के सामने साइड होती है बी, तो ऊपर आ रहा होगा बी, और नीचे बाकी 2 साइड आ रही होंगी, बी के अलावा बाकी 2 साइड कौन सी, ए सी। जल्दी से कोई स्टूडेंट मुझे बताए कॉस गैमा पॉइंट 2 का फॉर्मूला। cos सॉरी s s माइनस c अपॉन ए बी। चलो आज तक करके बता दिए, इस तरीके से आपने ये 3 फॉर्मूले याद रखे, आप बस टेंजेंट के याद रखना। अच्छा टेंजेंट के वैसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको साइन कॉस पता है टेंजेंट लिख सकते हो, क्योंकि टेंजेंट में आपने डिवाइड करना होता है ना। तो ये साइन अल्फा पॉइंट 2 है, ये कॉस अल्फा पॉइंट 2 है, तो टेंजेंट अल्फा पॉइंट 2 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, मतलब ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू। तो देखो बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे आएगा इसका न्यूमरेटर एस माइनस ए, ठीक है। अगर आपको नई बात समझ आई तो अपने पास ना इसको डिवाइड करके देख लेना, इस वाली वैल्यू को डिवाइड करना इस वाली वैल्यू से, तो आप देखना इसी नतीजे पे आप पहुंचोगे। तो टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया अल्फा का, बीटा का आप लोग बना सकते हो। अगेन पैटर्न वही है कि ऊपर बाकी 2 साइड आ रही होंगी, तो आप लिखोगे एस माइनस ए, एस माइनस सी, और नीचे क्या हो रहा होगा, बीटा के सामने वाली बी होती है। अब होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, और नीचे आ रहा होगा एस, एस माइनस सी। इस तरीके से याद रखोगे। तो ये 9 फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों की 12.11.1 जो है 11.2 उसमें काम आएंगे, मैंने आप लोगों को बता दिए।